आप कौन होते? मैं प्रैक्टिसिंग हूं नहीं हूं, मैं मुसलमान हूं मुसलमान हूं। मेरे घर में झांक के देखेंगे नरेंद्र मोदी, या फिर पांच साल के बाद मोदी बोलेंगे आओ बेटा तुम मुसलमान सर्टिफिकेट लेकर जाओ। इन दिनों ओवैसी बीजेपी सरकार पर जबरदस्त भड़के हुए हैं। ओवैसी की चुनौती और ओवैसी के आंदोलन का ऐलान लगातार सुर्खियों में है। लेकिन एक बार फिर ऐसा क्या हुआ कि ओवैसी गुस्सा गए और गुस्से में एक ट्वीट कर दिया। दरअसल AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अजमेर शरीफ दरगाह को मंदिर बताने पर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू से सवाल किया कि इस मुद्दे पर अल्पसंख्यक मंत्रालय का क्या रुख है। राजस्थान के अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को भगवान श्री संकट मोचन महादेव मंदिर घोषित करने की मांग वाली एक याचिका कोर्ट में डाली गई। अब इस पर AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया, लिखा अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के खिलाफ अब मुकदमा चल रहा है जिसमें दावा किया गया कि एक मंदिर है। असदुद्दीन ओवैसी ने पोस्ट में आगे लिखा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारतीय मुसलमानों के लिए मार्गदर्शक प्रकाश बने हुए हैं। उनकी दरगाह यकीनन मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा देखी जाने वाली आध्यात्मिक जगहों में से एक है। उन्होंने अजमेर शरीफ दरगाह को मंदिर बताने पर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू से सवाल किया, इस मुद्दे पर अल्पसंख्यक मंत्रालय का क्या रुख है। AIMIM अध्यक्ष ने कहा कि आप 1955 के दरगाह ख्वाजा साहब अधिनियम और 1991 के पूजा स्थल अधिनियम का समर्थन करेंगे, क्या आप इन कानूनों को लागू करेंगे? 1955 के अधिनियम के तहत एक लोक सेवक मोदी सरकार के वक्फ विधेयक की प्रशंसा कर रहा है, इस मुकदमे पर उनका क्या रुख है? वक्फ विधेयक हमारे पूजा स्थलों को अतिक्रमण और अपवित्रता के लिए असुरक्षित बना देगा। अब ये पूरा मामला क्या है जरा समझ लीजिए। आपको बता दें हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने अपने वकील के माध्यम से दीवानी न्यायाधीश की अदालत में दरगाह को मंदिर घोषित करने की मांग करने वाली एक याचिका दायर की। गुप्ता ने अपने वकील के माध्यम से दावा किया कि यह दरगाह मंदिर के खंडहरों पर बनाया गया और इसलिए इसे भगवान श्री संकट मोचन महादेव मंदिर घोषित किया जाना चाहिए। याचिका में ये भी मांग की गई है कि जिस अधिनियम के तहत दरगाह संचालित होती है उसे अमान्य घोषित किया जाए, हिंदुओं को पूजा का अधिकार दिया जाए और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को उस स्थान का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया जाए। विष्णु गुप्ता के वकील शशि रंजन ने कहा कि वादी ने 2 साल तक शोध किया है और उनके निष्कर्ष हैं कि वहां एक शिव मंदिर था जिसे मुस्लिम आक्रमणकारियों ने नष्ट कर दिया, फिर एक दरगाह बनवा दी। अब इन सब मामलों पर फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी नाराज हैं और उन्होंने किरण रिजिजू से सवाल पूछ डाले हैं। हालांकि इस पूरे मामले की जो अगली सुनवाई है वो 10 अक्टूबर को होगी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।